क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है कॉस की पावर 4 2x का। देखिए जब भी कभी हमारा इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो उसकी जगह हमें पुट करना होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। देखिए यहाँ पर अगर हमारा x है तो यहाँ हो जाता है 2x, अगर ये हमारा 2x हो जाएगा तो यहाँ पर भी एंगल का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा। देखिए पहले तो मैं इसे स्क्वायर के टर्म में बदल रहा हूँ इस वाले को, तो देखिए कॉस की पावर 4 2x है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 2x और इसकी पावर 2। देखिए पावर की पावर हो रही है, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अब देखिए इस कॉस स्क्वायर 2x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2, तो इसकी जगह पुट कर रहे हैं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी dx। देखिए नीचे वाला जो अपॉन में 2 था उसकी पावर 2 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो वो वाला 4 तो मैंने बाहर निकाल दिया, कॉन्स्टेंट है। ये वाला जो हमारा टर्म है 1 प्लस कॉस 4x की पावर 2, ये हमारा a प्लस b की पावर 2 हो रहा है, तो a की पावर 2 मीन्स 1 की पावर 2 प्लस कॉस 4x की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कॉस 4x 2ab। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, प्लस कॉस 4x की पावर 2 कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x हो जाएगा ये हमारा। देखिए यहाँ तो हमारा कोई पावर नहीं है लेकिन यहाँ पर हमारी अभी भी एक पावर 2 है, तो इसे मैं दोबारा से सॉल्व करूँगा। देखिए कॉस स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, अगर हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा तो इसकी पावर ये भी हमारा एंगल डबल हो जाएगा, 4 का एंगल कितना हो जाएगा डबल 8x हो जाएगा, तो इस वाले टर्म की जगह कॉस स्क्वायर 4x की जगह हम कितना पुट करेंगे 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 1 अपॉन 4 हमारा ऐसे रहा, ये वाला 1 हमारा ऐसे रहा, प्लस इसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 8x अपॉन में 2। देखिए यहाँ 4x है तो उसका एंगल का डबल हो जाएगा 8x, यहाँ पर देखिए 2x था तो यहाँ पर कितना आया था 4x आ गया था, 4x है तो कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, प्लस 2 cos 4x हमारा ऐसे रहेगा dx। अब देखिए यहाँ पर हमारे कितने टर्म है, 2 टर्म है, अपॉन में 2 हो रहा है तो ये वाला 2 1 के भी अपॉन में आ जाएगा, इस वाले टर्म के भी अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 ये तो हमारा 1 ऐसे रहा 1 अपॉन 1, प्लस ये कैसा रहा 1 अपॉन 2 हो गया, प्लस cos 8x अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 2 cos 4x ये वाला टर्म हमारा ऐसे रहा dx। देखिए ये हमारा 1 है, ये हाफ है, कितना हो जाएगा ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 तो कांस्टेंट बाहर रहा, ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2 प्लस ये वाला cos 8x अपॉन में 2 और 2 cos 4x ये हमारा ऐसे रहा। देखिए अब हमारे ये 3 टर्म हो गए, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1 अपॉन 4 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई में है तो 1 अपॉन 4 हमारा बाहर रहा, इंटीग्रेशन करेंगे 3 अपॉन 2 का, 3 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया 1 dx हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया cos 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दीजिए cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरह से dx, तीनों का अलग अलग हो गया। 1 अपॉन 4 हमारा ऐसे रहा, 3 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट था ऐसे रहा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर ऐसे रहा cos 8x आ गया। देखिए cos x का इंटीग्रेशन हमारा होता है sin x प्लस का, तो देखिए cos 8x की जगह कितना आ जाएगा sin 8x। अब देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में क्या 8, तो ये हमारे डिनोमिनेटर में भी जाएगा, प्लस 2 कॉन्स्टेंट ऐसे रहा cos 4x का कितना हो जाएगा sin 4x अपॉन में कितना जाएगा 4 प्लस का सी। सॉल्व कर लेते, देखिए इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 1 अपॉन 4 बाहर ही रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारा 3x अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा sin 8x अपॉन 8 टू जा 16 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर sin 4x अपॉन में 2 और प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा।